धमतरी जिले के भखारा में एक राइस मिल के गोडाउन से लोहे के सामानों की चोरी करने वाले 8 आरोपियों को भखारा पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। बता दें कि भखारा में भारत नाहर के पैडी राइस मिल के गोडाउन में रखे करीब 5 लाख रुपए कीमत के लोहे सहित अन्य सामानों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। तलाशी के दौरान ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 7 संदेहों को पकड़कर पूछताछ किया, जिस पर आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी वाले को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की माने तो पकड़े गए सभी आरोपी धमतरी के ही रहने वाले हैं। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी गए सामान, सेंटरिंग प्लेट, लोहे के सामान आदि को जब्त किया गया है। और एक घटना में प्रयुक्त एक टाटा एस वाहन, एक पिकअप वाहन और एक स्कूटी जब्त किया गया है। जब तक आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। चोरी गई रकम लगभग 5 लाख का बताए गए थे और जब्त मशरूका में 6 लाख वाहन मिला के 6 लाख लगभग जब्त किया।